तो सही मोटा मोटा एक चीज अच्छी अच्छा ही मेमोरेंडम लिया गए ऋषि को सारे गए और ऋषि ने सू धमकी दी थी उन्हें क्या तुम जो मर्जी करवाओ यही मीटर को तो बिल्कुल स्मार्ट मीटर्स को लेकर इस समय कठुआ के लोग जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं और लगातार जिस तरह से लगातार विरोध जो है वो देखने को मिल रहा था और आज विरोध का ही नतीजा है कि आज लोगों ने सड़क को जो है वो जाम कर लिया है। हम अपना अधिकार मांगते मुझे सारे कहना गुजारिश है ये सारे ड्राइवर भरा ये सारे स्कूटी वाले ये सारी भैन है मैं तो सही एक एक चीज मोटी मोटी बाकी ना ये मीटर सिर्फ चक बिच नहीं लगने ये तुम्हारे घर भी लगने हैं सारे ट्रक साहब उनके घर भी लगने हैं ऑटो ऑटो वाला वीर है उनके घर भी लगने हैं मोटरसाइकिल वाला वीर है उनके घर भी लगने हैं अगर तुम ही चाहते हो ये घर ठीक है रोड ब्लॉक करो यही आखो सू चलती है बार बार आखी देना ये चलती नहीं है आने वाले टाइम च अही झूठा लिया हो जाना खड़ा बोला की 370 हटी इधर की महंगाई बनी इधर की बिजली मेरा साथी अगर बेटी है कि थोड़ा सा पूरा बंद कर लो बंद का मतलब बंद होगा कुछ नहीं लगे जाना डॉक्टर साहब प्लीज बंद का मतलब बंद होगा किसी थोड़ी देर बंद करो उधर भी साथी अगर बेटी है कि आई अगर विधोर प्रदर्शन करा करते हैं तो बाकी लोगों के भी आई अपील कर रहे हैं कि सारा सहयोग करो क्योंकि ये सारे घर की लड़ाई नहीं है ये सारे लोगों की लड़ाई है ये गरीब लोगों की लड़ाई है जुटों पर एडा बड़ा बोझ पान लगे दी सरकार पहले ही लोगों को रोटी खाने जोगड़ी नहीं है बड़ी मुश्किल करना है दिहाड़ियां लाइया बेचारे अपने घर का चूल्हे जला करते हैं पर उपर सरकार स्मार्ट मीटर लाई है लोगों पर एडा बोझ पाई है लोगों की खाईदारी को भी खल रखना चाहती है ताकि ये लोग जड़े है कि मरी जाए आई सरकार की आखना चाहते हैं अगर तुम इन्हें बिजली के बिल पाई है इन्हें परेशान करिए मारना पहले आओ को जहर दिया पुड़िया करो गोलियां चलाओ जनता ही खत्म कर लो और तुम्हें जनता की जरूरत नहीं है ये जनता बेचारी गरीब जनता है कुत्तों ने जो मीटर के बिल देने हैं कुत्तों ने पानी के बिल देने हैं किन्ने ने अपने घर के चूल्हे चलाने हैं साथियों थोड़े के अपील है कि जिन्हें अज अं इतने प्रोटेस्ट करिए अज छक के बिच अं इस रोड की जाम किया है 15 तरीक अं जो है वो शहीदी चौक जाम करिए उसके बाद अं डीसी ऑफिस तक एलजी गवर्नर का पुतला लेइए उत्थे अग लाइए फूक रहे हैं उसी दस रहे हैं कि एलजी सारे लोगों वास्ते मरी गए है एलजी गरीबों वास्ते मरी गए है और इसी एलजी की जे एंड के का पता ही नहीं है अगर जे एंड के का होता तो उसी पता होता जे एंड के का लोगों का दुख दर्द था बाहरों लियाइए सारे सिर के ऊपर सुट्टी ले लाए इसी आई तो निठाना है और आई जड़ा है सस्ती बिजली का प्रबंध करना है सस्ते राशन का प्रबंध करना है अपने लोगों वास्ते नौकरियों का प्रबंध करना है अगर यह सरकार नहीं करेगा तो आई इस सरकार के खिलाफ भी होंगे आया मेरी सरकार एनसी का कांग्रेस की बनी है इन्हें आश्वासन दिता कि आई गरीबों वास्ते कुछ करके इस कारण अज आई जड़ी है उस सरकार के खिलाफ नहीं बोला करते अगर कुछ दिनों के बीच इस सरकार ने आश्वासन नहीं दिता ये गरीब लोगों की इनके जो पुराने बिजली के बिल है इसी माफ करके और जेडे पीटर लोगों के घर से लगन लगे हैं इन्हें की बंद कर नहीं कराया तो ये प्रोटेस्ट जोड़ा है इसी और बड़ा करके आग लगाओ।
बत्ती नहीं आग लगाओ। अज फिर साढ़े मीडिया का बड़ा शुक्रिया है, अस जिन्हें भी बल्ले कवर किए थोड़े तो साढ़े कन्ने साना बछाना खड़े हुए हैं। अज अस मीडिया थ्रू एक गल दसी दिने, अज अं डीसी के दफ्तर गए मेमोरेंडम लेइए और डीसी ने सानू धमकी देनी साढ़ा इतों का संसाधन है, असि जान नहीं देने, सौखे जान नहीं देने। अभी मीडिया थ्रू एक गल असी दें, अभी जरा मेन प्रोटेस्ट जरा रोड करने का सा मेन मकसद है, ये डीसी की एक टेलर दसने वाला सा एक मकसद है। निकू वाला टेलर दसा 15 तरीक ये कोला भी अभी बड़ा दसगे, जी डीसी ने साढ़े कहना बदतमीजी की है, अस उस जवाब देगा और एल जी का जरा पुतला है वो गला बच्चे पाइए मीटर का पाइए अं डीसी तक फूकने न। और दूसरी गल डीसी की क्या पता सर इधर का क्या के नहीं है, वो देखो अस मीडिया थ्रू ये पूछना चाहते हैं। इलीगल गल है जी कि हम सू जाना चाहता, उन्हें कहा आओ तुम जो मेमोरेंडम ये लो पकड़ो, उन्हें कख नहीं गल की, उन्हें कहा ले जाओ ये कोई मेमोरेंडम नहीं है। और फिर बाद पता नहीं किया ले लिया, लेकिन हम सू धमकी दी है थोड़े पर FIR करी नहीं। एक कठुए का डीसी सू धमकी दे दा, अच्छ डीसी साहब भी अस आख दें अच अं टेलर दसिया 15 तरीक इन कोला भी महा टेलर दसगे अं विरोध करके, जिस घर के भी अगर साढ़े छत के भी अगर मीटर लगे तो अस उसी किन्ने साना पसाना करिए तोड़ी देंगे। जय भीम जय भारत। मैं प्रदीप अंबेडकर ही प्रेसिडेंट अंबेडकर सेना मूल निवासी, अंबेडकर सेना मूल निवासी और जन जागृति मंच का आज डेपुटेशन बाणचौक डीसी साहब से मिला और डीसी साहब का जो रवैया था वो बहुत ही गलत रवैया था। डीसी साहब ने पहले तो मेमोरेंडम लेने से ही मना कर दिया और उसके बाद हमने जद्दोजहद की, जब हमने कहा कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हम इंडियन लोग हैं, अगर हमारा आपने मेमोरेंडम ही नहीं लेना तो आप क्यों चेयर पर बैठे हो, तो फिर उन्होंने मेमोरेंडम तो ले लिया लेकिन हमको धमकी दी है कि आप पर FIR करेंगे। मैं आप सब मीडिया भाइयों के माध्यम से डीसी साहब को बताना चाहता हूं कि हम जेलों से डरने वाले नहीं हैं, हमने पहले भी जेलें देखी हैं, प्रशासन में हम कभी भी डर का माहौल नहीं सहेंगे क्योंकि हम समाज के लोगों का काम करते हुए पहले भी जेलों में गए हैं, आगे भी जेलों में जाने के लिए तैयार हैं और हम हर किसी भी अंबेडकर सेना मूल निवासी और जन जागृति मंच के लोग कभी भी हर किसी भी कठुआ में खास कर जो स्मार्ट मीटर है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम दोबारा आपके माध्यम से उनको बार बार बताना चाहते हैं कि जो बिजली है जम्मू कश्मीर में पैदा हो रही है, जम्मू कश्मीर से बिजली होने के बाद आप बाहर बेच रहे हो और फिर खरीद रहे हो, ये क्या तमाशा लगा रखा है, जो गरीबों पर आप डाका डाल रहे हो। हम सिर्फ आप मीडिया के माध्यम से प्रशासन से मांग करते हैं कि जैसे पहले लोगों को बिजली मिलती थी जितने पैसों में मिलती थी, हम अब चाहते हैं कि जो बिजली है वो बिल्कुल फ्री में मिले क्योंकि बिजली का बिल हम नहीं देंगे और जो बिजली के पुराने बिल भी आए हैं उनको वो माफ करे। और इतने कहते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। देखिए आज हम जो है वो चक देसा सिंह में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट का जो कारण है आपको सभी को पता है कि कठुआ शहर में स्मार्ट मीटर लगना स्टार्ट हो चुके हैं और अगर हम जब बात करते हैं तो हमारी बात भी कोई सुनी नहीं जा रही है। हम आपके माध्यम से सभी को बता देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर किसी की बाप की जागीर नहीं है, ये हमारा जम्मू कश्मीर है और जहाँ के जो संसाधन है उनका उनके ऊपर पहला अधिकार हमारा है। जहाँ के पानी, जहाँ के जंगल, जहाँ के पहाड़, जहाँ की बिजली हमारा अधिकार है, ना कि इस डीसी का, ना कि इस LG का जो बाहर से आकर जहाँ बैठकर अपनी बाप की जगीर बैठे समझे हुए हैं। आज जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ क्यों लगा रहे हैं स्मार्ट मीटर। पंजाब हमसे बिजली खरीद के अपने पंजाब के लोगों को सस्ती और फ्री बिजली देता है तो फिर हमारी सरकार इतनी निकम्मी है,
हमारी जो स्टेट है, हमारी जो सेंट्रल सरकार है, इतनी नकम्मियां, हमारी जो बिजली, हमारे जहां कितनी भरपूर मात्रा में बिजली बनाई जाती है और हमसे छीन कर और पंजाब में बाकी देशों में बेची जा रही है। हम आपको बता दें कि हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। और हम आपको यही बता दें कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही काम है, हम अपने हक के लिए बोल रहे हैं। और हमें ये जो एजेंसियां हैं, ये जो CID है, IB है, ये बार बार फोन करके इन्होंने हमें इतना परेशान कर दिया है कि आप अपना नाम बताओ, आप ये बताओ कहाँ रहती हो, क्यों भाई हमसे क्यों पूछ रहे हो इतना कुछ, हम कोई गलत काम कर रहे हैं? अगर आपको इतना कुछ पूछना है तो उनसे पूछिए जो चोरियां करते हैं, अगर आपको इतना कुछ पूछना है तो उनसे पूछिए जो चिट्टा बेचते हैं, जो शराब का ठेका चलाते हैं, उनसे पूछिए, तब आपकी CID कहाँ रहती है। जब कोई सही बात उठाता है तो आप तभी उसके पीछे पड़ जाते हो। ये भी इनका दोहरा चरित्र है, जेल साफ साफ दिखाता है कि जेल से जो CID है, IB है, NIA जे सरकार की गोद में बैठ कर और जो समाज के लिए अच्छा सोच रहे हैं उनके खिलाफ स्मार्ट मीटर का विरोध करो, विरोध करो, विरोध करो। प्रोटेस्ट का जैसे कि आपको हमारे साथियों ने बताया, प्रोटेस्ट का मेन कारण ये है कि सरकार के आने के बाद पहला तोहफा ये स्मार्ट मीटर का जो इन्होंने लोगों को दे दिया, यहाँ पे अपने गरीब लोग हैं, मतलब कि उनका अपना घर का खर्चा ही चलना इतना मुश्किल है और ये स्मार्ट मीटर का कहाँ से बोल पाएंगे। और ये चक चनगरा के वासियों का नहीं, ये हर शहर के हर नागरिक का ये हक है, वो अपना हक मांगना उसका मतलब कर्तव्य है। ये डेमोक्रेसी है, इसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता। ये तो फिर किसी की आवाज़ दबाने वाली बात हुई जो डीसी साहब ने बिहेवियर किया। तो मेरी जनता से यही अपील है कि सभी जनता इस संग्राम को अपने दिल में रखते हुए सभी रोड पे निकलें और ये स्मार्ट मीटर को भगाएं, ये स्मार्ट मीटर को जलाएं। अगर बत्ती नहीं आग देनी है स्मार्ट मीटर को, ये हमारा एक नारा है। अगरबत्ती नहीं आग लगाओ, आग लगाओ, आग लगाओ, स्मार्ट मीटर को आग लगाओ, आग लगाओ, आग लगाओ। हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते हैं।